नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ऐसी सावधानियों के बारे में जो हर महिला को रखना जरूरी है, क्योंकि जो सावधानियाँ मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर उनका ध्यान आपने ठीक तरीके से नहीं रखा तो आपका रिजल्ट गलत भी आ सकता है। और दोस्तों, ये जो सावधानियाँ मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके बारे में हर महिला नहीं जानती और यह जानकारी सभी के पास होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे बहुत सारा लाइक करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए बाजार में अनेक प्रकार के किट उपलब्ध होने लग गए हैं। इन किट का उपयोग करके आप पता लगा सकती है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। इन प्रेगनेंसी किट का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आपको समय पर मासिक धर्म नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसे किट का उपयोग करके पता लगा सकती है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं। यह किट उपयोग करने में बेहद ही आसान होते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट कहीं बार सही नहीं होता है। इन किट का इस्तेमाल करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है ताकि इनका रिजल्ट सही प्रकार से आ सके। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट किस प्रकार काम करता है। प्रेगनेंसी स्ट्रिप को यूरिन में डालकर यह चेक किया जाता है कि यूरिन में कितना HCG हार्मोन है। अगर यूरिन में यह हार्मोन उपस्थित होता है तो आप गर्भवती है। अगर यूरिन में हार्मोन उपस्थित नहीं होता है तो आप गर्भवती नहीं है। इस हार्मोन का उत्पादन शरीर में तब होता है जब गर्भ के अंदर भ्रूण का विकास होने लग गया है। गर्भवती होने के एक या दो सप्ताह के बाद किट का उपयोग करके आप इस हार्मोन का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात थी कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट किस प्रकार काम करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पहली सावधानी की, जो कि बहुत जरूरी है, और वह यह है कि सुबह के पहले यूरिन से ही प्रेगनेंसी टेस्ट करें। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर महिलाएं दिन के किसी भी समय प्रेगनेंसी टेस्ट का उपयोग करती है, जिससे इसका रिजल्ट सही नहीं आ पाता है। सुबह जब आप पहली बार यूरिन करने जाए उस समय इस टेस्ट किट का उपयोग करना चाहिए ताकि सही प्रकार से इसका परिणाम हमें मिल सके। और दूसरी सावधानी यह रखनी है कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ज़्यादा पानी और जूस ना पिए। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल कर रही है तो इसके एक घंटे पहले हमें कुछ भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट इस्तेमाल करने से पहले पानी या जूस पीती है तो इससे आपका HCG हार्मोन का स्तर बदल सकता है, और HCG हार्मोन में गिरावट आने के कारण आपका प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं तीसरी सावधानी की। फिजिकल रिलेशन के 10 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। गर्भधारण होने के 10 दिन के बाद हम यूरिन में HCG हार्मोन का पता लगा सकते हैं। कई बार यह दिनों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम अच्छा प्रेगनेंसी किट इस्तेमाल करते हैं तो 10 दिन के बाद आसानी से हमें प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगली सावधानी की, जो कि है 72 घंटे में दोबारा जरूर चेक करें। अगर एक बार चेक करने के बाद आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो कंफर्म करने के लिए 72 घंटे के अंदर एक बार दोबारा जरूर चेक करें, क्योंकि गर्भावस्था की शुरुआत में कई बार रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। ऐसे में 72 घंटे के अंदर दोबारा चेक करके आप सही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगली सावधानी की कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो अब आप क्या करें। एक गर्भवती महिला के लिए शुरुआती 3 महीने बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इन दिनों अगर आप कोई गलती करते हैं तो गर्भपात की संभावना भी बनी रहती है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो हमें उसी समय प्रेगनेंसी से संबंधित सावधानियां बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगली सावधानी की। कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना
करें। अक्सर महिलाएं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है जैसे उन्हें लगता है कि वह गर्भवती है, तो वह अपने इस खुशी में प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाकर प्रेगनेंसी टेस्ट तो करती है, लेकिन वह प्रेगनेंसी टेस्ट किट का उचित समय तक इंतजार नहीं करती है और जल्दबाजी कर बैठती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट शुरू करें तो आप उस प्रेगनेंसी टेस्ट को 2 से 5 मिनट तक का समय जरूर दें और बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। तो दोस्तों, यह थी वो मेन सावधानियां जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते समय हर महिला को रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सावधानियों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट गलत भी आ सकता है और या फिर आपको ऐसा रिजल्ट देखने को मिल सकता है जिससे आप पूरी तरह 100% पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाएंगी कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए इन सावधानियों को रखना तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, यही थी मेरी वीडियो और मेरी जानकारी आप सभी के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।